दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को मोदी जी ने बनवाया 50 करोड़ का गले का सीकर और साथ ही साथ दे दिया है एक बहुत ही खास गिफ्ट, जिसको जानने के बाद शायद आपके भी पसीने छूट सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर मोदी जी ने कौन सा वह गिफ्ट दिया है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला गया, जिसमें सबसे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। इसमें भारत के तरफ से सबसे ज्यादा रन सूर्य कुमार यादव ने बनाया। मात्र 51 बॉल का सामना करते हुए सूर्य कुमार यादव ने 111 रन की एक विस्फोटक पारी खेली। इसमें इन्होंने चौके और कई गगनचुंबी छक्के भी लगाए हैं, जिसके कारण टीम इंडिया का स्कोर 20 ओवर में 151 रन बन गए 6 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से बैटिंग करने आए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी शुरुआती में कुछ कमाल नहीं कर पाए और विकेट पर विकेट गिरता गया, के कारण भारत ने 65 रन के एक बड़े अंतर से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट दीपक हुड्डा ने चटकाए। इन्होंने मात्र 2.5 ओवर बॉलिंग किए और 4 विकेट झटक दिए, लेकिन इस मैच के असली हीरो सूर्य कुमार यादव रहे। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का पसीना तो छोड़ा ही, साथ ही साथ नए मोदी का भी दिल जीत लिया। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक छा गया है। आज सूर्य का बोलबाला पूरे भारत में गूंज रहा है। दोस्तों, स्काई मैन सूर्य कुमार यादव का बल्लेबाजी को देख नरेंद्र मोदी भी खुश हो गए और लाइव इंटरव्यू में आके बोल दिए कि सच में हमें ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो मुश्किल समय में मैच को जिता सके, और यह खूबी मुझे सूर्या में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे खिलाड़ी की प्रशंसा के साथ साथ हौसला भी बढ़ाना चाहिए, और मैं तो भारत का प्रधानमंत्री हूँ, इसलिए मैं सूर्या को 50 करोड़ का एक गले का सीकर देता हूँ। और साथ ही साथ BCCI से यह अनुरोध करता हूँ कि आने वाले समय में सूर्य कुमार यादव को भारत का कप्तानी का एक मौका जरूर दें। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, नीचे कमेंट में यार अपनी राय देना।